नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मोनू सागर और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं सीट के ऊपर। बेसिकली आपने क्लासिक में जो डबल सीट देखी होगी, कुछ लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ये हमने गाड़ी में डाल रखी है हार्ले टाइप की सीट और ये देखने में काफ़ी कंफर्ट दिखती है। क्या वो है उसके लिए अभी हम आपको दिखाते हैं और क्या इसका बेनिफिट है वो चीज़ भी हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो सीट है ये हमने खजांची से ली है, करोल बाग में फर्स्ट गली में चौथे माले पे ऊपर जाने के बाद वहाँ पर ओरिजिनल खजांची की दुकान। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें बैठ के दिखाते हैं कि आपको बैठने के बाद इसमें कंफर्ट कैसे मिलेगा। अब देखिए, जब हम इसमें बैठेंगे सबसे मेन है हमें कंफर्टेबल मिलना, और वो देखिए पूरा इसमें हिप्स हमारा बिल्कुल ईजी बैठ रहा है और काफ़ी मोटा स्पंज होने की वजह से काफ़ी अच्छी ड्राइव का महसूस होगा हमें, देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पीछे वाला अगर राइडर बैठता है तो उसके लिए क्या बेनिफिट है इस सीट के अंदर। अब देखिए, पीछे वाला राइडर बैठता है उसके लिए हमें सबसे पहले बैक सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हैं, नॉर्मल हमारी बाइक में बैक सपोर्ट नहीं है, छोटा सा एक डंडा है उससे थोड़ा पीछे पेन होता है। ठीक है, और इसमें देखिए हमें बहुत अच्छा बैक सपोर्ट मिलता है और दोनों राइडर को काफ़ी अच्छी ड्राइव का महसूस होगा। अब मैं बात करता हूँ इसके फोम की, अब मैं दिखाता हूँ आपका इसका जो हमारी ओरिजिनल फोम होता है और इसमें क्या डिफरेंट है। अब सबसे पहले आप ये महसूस करेंगे कि इसका जो स्पंज है ये काफ़ी इजी और सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने के कारण इसमें हमें जो है हार्डनेस का फील नहीं होगा, क्योंकि कुछ किलोमीटर चलाते हैं और पीछे पेन होने लगता है, ये मैंने खुद अपने पर्सनल राइड के साथ भी महसूस किया है। और जिस टाइम BS3 गाड़ी चलाते हैं, BS3 इसमें बहुत ज़्यादा, मैं तो कहूँगा BS4 में भी है, ये दोनों में ही है। और मेरे पास पुरानी सीट है, इसके साथ आपको दिखाता हूँ इसका जो ये फोम रहता है काफ़ी हार्ड होता है, तो इसके साथ इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सीट डाली है। आप चाहें तो करोल बाग से ले सकते हैं और ये आपको अलग अलग है, 1700 रुपये से लेकर 4000 रुपये के रेंज के अंदर मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है, वो बार्गिंग के ऊपर बात करता है, आप कितनी अच्छी बार्गिंग कर सकते हैं। तो यही है, कंफर्ट है, अच्छी है, लुक में भी अच्छी है, और सबसे मेन है फिटिंग। मैं आपको फिटिंग दिखाता हूँ, खाली हमें जो पीछे की सीट होती है उस सीट को निकालना है, ईजी यहाँ पर दो बोल्ट लगते हैं वैसे ही लगा देने। देखिए फ्रेम हमारा अंदर है और देखिए नट बोल्ट टाइट हो चुके हैं और देखने में भी पूरी फिटिंग जेन्युइन है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।